हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फ़ता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसलय भाग 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जी हां फ्रेंड्स, हर चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैं निकाल करके एक वीडियो में बना रहा हूं, वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं। हर चैप्टर का आएगा फ्रेंड्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इसमें मर्ज किए जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर का अध्याय 4, बाल गोविंद भगत। ये करने का मकसद क्या है फ्रेंड्स? तो चूंकि मैट्रिक एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। 50% मार्क्स आपका यहीं से आएगा, लगभग 50 नंबर का। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा बाल गोविंद भगत चैप्टर 4 फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला सवाल। तो बाल गोविंद भगत की उम्र थी, क्या उम्र थी फ्रेंड्स? तो 60 वर्ष उम्र थी उनकी। आगे बढ़ते हैं, तो बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो स्वयं बाल गोविंद भगत ने दी, उनकी पोतहू ने दी, उनके भतीजे ने दी, कोई नहीं। तो किसने दी? उनकी पोतहू ने दी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभार हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते डैश थे, क्या करते थे? नाच उठते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान को जाते थे। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे, क्या हैं? बाल गोविंद भगत पेशे से गृहस्थ थे। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल देखते हैं। बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पोतहू किसे के पास जाकर क्या कहते हैं? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उत्सव मनाने के लिए। बेटे के मर जाने के बाद क्या कहते हैं अपने पोतहू से? क्या तुमको उत्सव मनाना चाहिए। अगला सवाल है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? कलम का जादूगर, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम है। यही कौन है फ्रेंड्स? तो रचनाकार हैं बाल गोविंद भगत के। बाल गोविंद भगत के रचनाकार का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनको क्या कहते हैं? कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो रेखचित्र है। क्या है? एक रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला सवाल है, ये 2018 एग्जाम में पूछा गया है, मैट्रिक एग्जाम में। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के सिर्फ और सिर्फ एक बेटे थे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बाल गोविंद भगत का बेटा था बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला पतला, तो कैसा था? सुस्त था बाल गोविंद भगत का बेटा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, सर पीटने लगते हैं? तो आंसर हो जाएगा गाने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने बाल गोविंद भगत का सॉल्यूशन वीडियो सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उन सबको देख सकते हैं। सॉल्यूशन वीडियो सीरीज वो पूरा का पूरा पूरे किसलय भाग 3 का सॉल्यूशन वीडियो सीरीज है, जो भी चैप्टर आप देखना चाहें आप वहां से देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे, ये सवाल है। तो क्यों मानते थे? कबीर के आदर्शों पर चलते थे, इसलिए उन्हें क्या मानते थे? साहब मानते थे। ये फिर से सवाल आया फ्रेंड्स, ये 2018 में पूछा गया मैट्रिक एग्जाम में। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो बाल गोविंद भगत तुलसीदास को अपना आदर्श मानते थे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 2019 में पूछा गया सवाल है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, कहाँ देखा गया? तो बेटे की मृत्यु के एक दिन देखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। बाल गोविंद भगत की पोतूही थी, कौन थी? तो सुशील। कैसी थी? तो सुशील थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हुंटू का जलप्रपात, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो सीरीज होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।